talk about entrepreneurship a bit. Entrepreneurship is my favorite topic. So, आप पहले आप बताएं कि आपका क्या entrepreneurship से interest है, आप entrepreneur हैं, क्या आपका क्या portfolio है आपका? Interest है. इंटरेस्ट तो मेरा भी है, लेकिन मैंने जो चीज़ सीखी है एंटरप्रेन्योरशिप में वो है पेशेंस. मैं पहले बहुत इम्पेशेंट हुआ करता था, तो मुझे सब कहते थे थोड़ा सब्र पैदा करो थोड़ा सा. अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं ना, तो आपको उसमें भी पेशेंस की एग्जांपल नज़र आएगी. मुझे लोग कमेंट्स भी करते हैं, आपके सब्सक्राइबर अभी 1500 ही हुए हैं, अभी आप उसके तो 10,000 हो गए, उसके 5,000 हो गए. तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका फल भी बड़ा मीठा मिलता है. जो पेशेंट नहीं होता ना, वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता. उसकी एग्जांपल पता क्या है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, रटाई बात नहीं है. मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ. मेरी ब्लॉगिंग में 7-8 साल पहले मुझे ब्लॉगिंग का पता लगा था, लेकिन मैं उसको आज तक सीखता आ रहा हूँ. आज तक मैंने उसको छोड़ा नहीं. एक भी दिन पिछले 7-8 साल में ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने ब्लॉगिंग के मुतालिक कुछ पढ़ा ना हो, कुछ सीखा ना हो, कुछ लिखा ना हो. तो ये 7-8 साल का प्रोसेस है जो आज मुझे उसका फल मिल रहा है, कि मेरे पास टाइम नहीं है नए क्लाइंट्स लेने का. मैं इनफैक्ट मैं मना कर रहा हूँ कि मैं अभी नहीं कर सकता आपका काम. मैंने कईयों को मना किया अभी पिछले दिनों. तो ये पेशेंस का फल है ये. तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं ये नहीं कहता मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ये भी पेशेंस की एक और एग्जांपल है. मैं अभी वो जब मैं टेडेक्स इस्लामाबाद में गया था ना, तो उन्होंने कहा हाथ रेज करें कौन कौन एंटरप्रेन्योर है. मैंने हाथ रेज नहीं किया था, मैं नहीं समझता कि मैं अभी एंटरप्रेन्योर हूँ. एंटरप्रेन्योर मैं बनूँगा, मैं बनना चाहता हूँ. तो वो फेसबुक पर लिखा होता है ना प्रोफाइल में, बायो में, ट्विटर पे भी ऑथर बायो में, सॉरी प्रोफाइल बायो में एंटरप्रेन्योर बड़े आसानी से लोग लिख देते हैं. तो मैं नहीं लिखता, और ना ही मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. मैं बनना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर. मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे आते रहते हैं जहन में, यार इस तरह का एक स्टार्टअप बनाना चाहिए, इस तरह करना चाहिए. और मैं करना चाहूँ तो मैं उस चीज़ में चला भी जाऊँ, लेकिन मैं बेहतर टाइम का वेट कर रहा हूँ. गैरी वेनरचक की ना मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, वो मतलब बात एग्जैक्ट, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी बात का मतलब ये होता है कि सिर्फ आइडिया सोच लेना, आइडिया क्रिएट कर लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस क्रिएट करना जो होता है वो सही आर्ट है, या वो सही स्किल है. बिजनेस मैटर करता है, बिजनेस प्रोड्यूस करना मैटर करता है. आइडिया तो बहुत सारे लोग सोच लेते हैं.